आगामी वर्षा काल में जल जमाव सहित दूसरी समस्या से लोगों को जूझना ना पड़े, इसके लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत समस्या मूलक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और वहां कामकाज जारी रखा गया है। इन सबके बीच विभिन्न क्षेत्रों में काफी समय से बनी समस्याएं अभी से लोगों को परेशान कर रही है। ओपन थिएटर से बुधवारी की तरफ जाने वाले मार्ग पर कोरबा कंप्यूटर कॉलेज के सामने के हिस्से में बीते वर्षों में हो रही जल जमाव की समस्या को नाला कलवर्ड बनाने के साथ दूर कर लिया गया है। बारिश के दिनों में अब यहां पर पानी के ठहराव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आरएसएस नगर क्षेत्र में लोगों को जिस समस्या से परेशान होना पड़ रहा है वह अभी भी कायम है। साथ में अगर यहाँ एक घंटा हमारे हम पानी गिर जाए तो महावीर जनरल स्टोर से सेंट पेलोटी स्कूल तक कमर तक पानी भर जाता है, जिसकी कई बार लिखित में शिकायत हमारे द्वारा नगर निगम को दी गई है, जिसमें अधिकारी आते हैं हर साल सांत्वना दे के चले जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि बारिश के दिनों में किसी भी इलाके में पानी के घुसने को लेकर समस्याएं ना होने पाए, इसके लिए अभी से काम किया जा रहा है। 8 से 10 बड़े नालों को चिन्हित करने के साथ वहां की विशेष सफाई कराई जा रही है। देखिए, प्री मानसून के उसमें काफ़ी हम लोगों ने जो नाले नालियां हैं उनकी सफाई एक विशेष अभियान चला के की जा रही है, और इसके तहत जो बड़े नाले हैं हमारे यहाँ करीब 8 से 10 बड़े नाले हैं जिनका चिन्हांकन किया गया है और उनकी विशेष रूप से सफाई की जा रही है, ताकि आगे आने वाले समय में मानसून और बारिश के मौसम में जो निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पर पानी भराव की समस्या न हो। मौसम विभाग के द्वारा संकेत दिए गए हैं कि इस बार मॉनसून समय से पहले आ सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ नगरीय निकायों को निचली बस्तियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विशेष काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।